भाई आज लाल टोपी लाल टी शर्ट पहन के निकल चुका है पांडु पोल दर्शन करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी लाल वस्त्रों से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं भी आज लाल कपड़े पहन के आया हूँ, लेकिन थोड़े से रंग बिरंगे हैं, जैसा रंग बिरंगा मैं वैसे मेरे कपड़े। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीछे मेरे भाई मोंटू, और इधर जय बाबा की, जय बाबा की बंटी। तो अभी हम रास्ते में हैं भाई, कार जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको पांडु पोल और दर्शन कराते हैं हनुमान जी की। जय बजरंगबली, जय बाबा की, जय बाबा की। मोंटू भैया जय बाबा की, जय बाबा की। हेलो दोस्तों, आज हम अपना टूर स्टार्ट कर रहे हैं सिरिस्का टाइगर रिजर्व में, और देखते हैं रास्ते में हमें टाइगर मिलता है या नहीं मिलता है। और यहाँ से आगे जाएंगे हम पांडुपोल। पांडुपोल जाने के लिए हमें पहले सिरिस्का रिजर्व से गुजरना पड़ेगा, और गुजरना क्या है, यहाँ पे तो बहुत आनंद आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें शेर के दर्शन भी हो सकते हैं। तो चलते हैं सिरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व में। अंदर जाने के लिए पहले हमें यहाँ पर टिकट लेनी पड़ेगी, तो बंटी टिकट लेने के लिए गया हुआ है, उसके बाद हम एंट्री करेंगे अंदर रिजर्व के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा टाइट है, बिना टिकट के कोई नहीं जाने देता। तो अभी टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। यहाँ बाघ परियोजना सीरीज का प्रवेश शुल्क है, बस जाती है 540 रुपीज़ में, जीप कार मिनी बस 345 रुपीज़ में, स्कूटर मोटरसाइकिल 70 रुपीज़ के चार्जेज हैं यहाँ पे। और प्रवेश है इसका सुबह 8 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक। तो टिकट ले लेते हैं और फिर उसके बाद अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन से जीव जंतु जानवर हमें अंदर मिलते हैं। तो अभी हमने अपनी कार के लिए यहाँ पे टिकट ली है 340 रुपीज़ की। 340 की टिकट है, और वो सिर्फ गाड़ी की है, पैसेंजर की कोई टिकट नहीं है। यहाँ गाड़ी चलाने की गति सीमा 30 किलोमीटर पर आवर है, इससे ज़्यादा हम स्पीड नहीं रख सकते। और इधर देखो, इधर बहुत सारे, थोड़ा सा आगे लो, दिखाते हैं अभी। ये लंगूर थोड़ा सा कम करे ना, ये हिरण है यहाँ पे। और इधर देखिए आप, लंगूर दिखेंगे, और यहाँ दिखेगा सुअर, पीकॉक, और बिल्कुल नजदीक ही देखिए ये यहाँ पे भी वो है, रोड के बिल्कुल नजदीक हिरण है, प्रकृति की गोद में। और आज होगा यहाँ पे जंगल में मंगल, मंगल यहाँ पे टेंटिंग होगी, कैंपिंग होगी, कैंपिंग हम होगी। आज हम कैंपिंग के मोड में हैं, और वो हम बाद में बताएंगे आपको, हमारे अगले व्लॉग में आप देखोगे, हम आप लोगों को कुछ नया करते हुए नजर आएंगे। देखो मैंने क्या देखा, हिरन, सिंगो वाला हिरन। अरे तो भैंस भी आ रही है, शेर खाता नहीं इनको, ये तो पालतू है। शेर इधर नहीं होगा शायद, ट्यूसडे और सैटरडे की उसकी छुट्टी रहती है, इधर नहीं आता। वहाँ सैटरडे है ना, मांसाहार नहीं खाते, सैटरडे ऑफ है उसका, मांसाहार नहीं खाते। जी हट जाओ। ओहो भाई साहब, बहुत भारी पंचायत हो रही है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि लड़कियां जींस पहन के कॉलेज जा रही हैं।
उस टॉपिक को लेके हो रही है यहाँ पे पंचायत। आमी प्रधान बाय बाय, से हेलो 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 हनुमान जी। गंदी बात, गंदी 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 बात, दोबारा कर भाई। यहाँ तक जाती है वहां तक ले जाते हैं, उसके बाद चलते हैं पैदल, कोई गाड़ी क्या बाइक तक नहीं है इस रूट पे यार। नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हम पांडुपोल पहुंच चुके हैं और अभी ये रास्ता है ऊपर जो भीम ने गदा मार के एक रास्ता बनाया था अपने लिए और वहां से एक झरना निकलता है तो वहीं जा रहे हैं। रास्ता काफी सुनसान है और नेचर के बहुत करीब, चारों तरफ आपको पेड़, रास्ता बिल्कुल छोटा सा और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। भीम ने गदा मार के जो जगह बनाई थी उसका रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पे एंड हो जाता है, इस तरफ से भी पहाड़ियाँ स्टार्ट है और ये पूरा घूम के पहाड़ी इस तरफ ही आ जाती है। तो सामने वहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं था तो भीम ने वहाँ ऊपर गदा मारी थी, वो अभी दिखाएंगे कहाँ पे है वो, और तब ये वहाँ से वो निकले थे और साथ ही साथ वहाँ पे एक झरना भी बन गया था पानी का, तो पानी नीचे झरने से आता है तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अभी झरना नहीं है क्योंकि बारिश का सीज़न भी नहीं है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं अभी। तो ये वो छेद है जहाँ पे भीम जी ने गदा मारी थी और ये बना दिया था और यहाँ से ऊपर से ही झरना निकलता है और यहाँ से पानी सीधा चला जाता था नीचे, वहाँ पे थोड़ा पानी भी इकट्ठा है। वहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, पब्लिक रिस्क उठा रही है और काफी रिस्की भी है ऊपर जाना, लेकिन जय भीम जिन्होंने ये गदा मार के अपना रास्ता बनाया और आज हम उस चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं। महाभारत काल का ये छेद यहाँ बना हुआ है और टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। भाई मैंने ना गिव अप कर दिया, ऊपर जाना आसान है लेकिन नीचे उतरना मुश्किल है, तो मैं तो डर गया ऊपर। मैं डर गई। मैं तो डर गई। बड़ा फास्ट गया। सामने इतना बैठा ना बच्चा, नहीं सामने और बच्चे बैठे हैं देखो। ओए ये तो दोस्तों सीरीज का सफारी के रास्ते से गुजरते हुए हम पहुंच गए हैं पांडुपोल मंदिर और अभी हमने दर्शन किए थे भीम जी की गदा से बने हुए झरने के और अभी हम पहुंच गए हैं पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर दर्शन के लिए। तो पीछे हनुमान जी पांडुपोल का मंदिर है और अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं, करते हैं दर्शन उनके। तो वीडियो में बने रहना, अभी दर्शन कराते हैं आपको उनके।
एक और आग उस पे दे दे। चलो चलते हैं, अब इन्होंने भी प्रसाद खा लिया है, कुछ अपने लिए भी रखते हैं और अब चलते हैं। लड्डू एक रुपए में दो दो, दोनों हाथ में लड्डू दिए, दोनों हाथ में लड्डू। चलो चलते हैं गाइस, मैंने मंकी देखा। हाय शाबाश चीते टार्जन, ये टार्जन में साथ रखता हूँ हमेशा। तो भाई आज हमने जंगल में ले लिए पूरे मजे। चल भाई चल। नीचे नहीं उतर रहा था, रॉन्ग टर्न ले लिया। तो आ गए उसके पापा जी, आ गए। हाँ तो दोस्तों, घूम फिर के आ गए वापस अपने उसी स्थान पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिरिस्का के लिए, और पांडुपोल मंदिर प्लस में जिस पहाड़ को तोड़ के हमारे भीमसेन ने वहाँ से झरना निकाल दिया था, वहाँ पे घूम के आए। मैंने तो काफ़ी मज़े किए। रास्ते में हमें मिले हिरन और सुअर, हमें मिले लंगूर, हमें मिले पिकॉक, हमें मिले नीलगाय, लेकिन हमें अपने दर्शन नहीं दिए शेर खान ने, तो टाइगर नहीं मिले हमें, दर्शन नहीं हुए उसके, उसका अफसोस है। लेकिन मैं खुद बीच में बंदर बन गया था, काफ़ी मज़े के। एक बंदर तो मेरे को काटने वाला था, उसके बच्चे को मैं डांट रहा था तो वो खुद आ गया, लेकिन ठीक है। कुल मिला के अच्छा हमारा आज की शाम है, पूरा दिन अच्छा रहा, और ये रास्ता मज़े आ गए भाई। तो इसी मज़े को थोड़ा सा और बरकरार रख देना, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय, बाय बाय सिरिस्का।